जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको हमेशा नई और सटीक जानकारी मिलती रहे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सफलता के बारे में, आपकी राशि के लिए। सफलता के लिए कई प्रयास हम किए जाते हैं, कई प्रयास करते हैं, पर सफलता नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आप सफलता के लिए जितने भी प्रयास अपने करते हैं, उन प्रयासों को जारी रखना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सफलता जो है वो कभी भी किसी भी को कहीं भी मिल सकती है। इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल भी आप इस तरह से न लें कि मैं अभी तक सफल क्यों नहीं हो पाया, या इस चीज़ को बोझिल करें। दूसरी बात है, हमारी नेगेटिविटी भी हमारी सफलता में एक बहुत बड़ा रुकावट है, और हमारा ज़्यादा सोचना भी बहुत बड़ी रुकावट है। तो इन दो चीज़ों पर भी आपको काम करना चाहिए। ये अगर काम करेंगे तो बहुत बार आपको एक अच्छा परिणाम मिलेगा। तीसरी बात है कि कई बार होता यूँ है कि हम जहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें फेवरेबल है या नहीं। कई बार होता यह है कि चीज़ों को हम समझने में बहुत चूक कर देते हैं, और समझ चीज़ वास्तविकता और सोच, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। कई बार कमियां हमें नहीं पता लगती, तो कमियों को भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तो बातें थी, तमाम बातें जो एक सामान्य स्थिति में जिनको आपको कर लिया हो। अब दूसरी स्टेज पे बात करते हैं कि हम बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हम काबिल हैं, बस 2 नंबर से, 1 नंबर से बहुत सी एग्ज़ाम्स हो गई, या कई सारी चीज़ों में हम बहुत करीब से रह जाते हैं, जिसमें लक फैक्टर भी बहुत काम करता है। जिसे किस्मत कह दो आप, लक कह लो, जो कहना है वो कह दो, उस चीज़ को अगर आपके फेवरेबल काम है तो वो ईश्वर का स्मरण है। और उस चीज़ के लिए हमारा जो प्रैक्टिकल है, हमारे मन, आत्मा, बुद्धि, ये तमाम जितना भी शुद्धिकरण है हमारा, निष्पक्ष, निस्वतंत्र जो है, हमारे अंदर एक भाव है, हमारे खुद के प्रति एक ईमानदारी है, क्या हम वो ईमानदार हैं या नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये चीज़ भी हमारे लक को सीधे कनेक्ट करती है। लक के लिए कोई ज़रूरी नहीं, लक उनका ही साथ देता है जो बहुत सहज, सरल, ईमानदार लोग होते हैं, उनकी ईश्वर हमेशा मदद करते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि यार हम भी तो ईमानदार हैं, लेकिन हमारी तो अभी तक मदद नहीं हो पा रही। दूसरा, हमारे पर ये बात आप जाने कि जब जिस चीज़ को मिलने का वक्त होता है, तब उस व्यक्ति को चीज़ मिलती है। वो सुना होगा आपने कि किस्मत से ज़्यादा वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, वो ही चीज़ यहाँ पर लागू होती है। ये तमाम बातें हमें हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, और इन बातों से सीखना चाहिए, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। जितना आगे बढ़ने की कोशिश आप करेंगे, इन चीज़ों को दिमाग पे इतना गंभीरता से नहीं लेना है। हमारा काम है पहला मेहनत करना, कर्म करो निष्कर्म, फल की चिंता त्याग कर कर्म करो, सफलता जरूर मिलेगी। ये तमाम बातें, जितनी भी बातें मैंने आपसे शेयर की है, सच पर आधारित है। इन बातों को केवल आपको समझना है, आप जितना समझेंगे उतना जीतेंगे। इसलिए सीखते रहें, जीतते रहें, और इन चीज़ों को समझते रहें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।